गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट स्टूडेंट अज अपना यूनिट 9 सेमी कंडक्टर डिवाइसिस जो अपना चल रहा है क्लास वही अगे कंटिन्यू करांगे। राजे आप देखा सी भी जो सेमी कंडक्टर की गल करते हैं तो वो कंडक्टिविटी के बीच इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स जो है करंट फॉर्म करते हैं, यानी कि जो टोटल करंट है सेमी कंडक्टर दे विच दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। होल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, बट इवन इन कंडक्टर जो करंट है ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इन इंसुलेटर देर इज नो करंट। अरे आपको पता है कि जो करंट का फॉर्मूला है एन ई ए बी डी, करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाल रिलेशन आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, वेयर एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ई एलिमेंट्री चार्ज, ए एरिया एंड बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन्स, आई इज करंट। But here in semiconductor current is due to holes and electron, so I E that would be N E E A B E, number density of electron, elementary charge, area and velocity of electrons. Similarly I H N H E A B H, number of holes, velocity of holes. Holes carry positive charge and electron carry negative charge. So total current would be IE plus IH. That would be NE plus NH. कॉमन की होगा ना वेज ई ई, तो करंट टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इज ई ए कॉमन आउट एन ई वी ई एन एच वी एच, एक करंट का फॉर्मूला बनाओ ई ए एन ई वी ई number of holes, velocity of holes. जो करंट के विच जो करंट फ्लो करता है सेमीकंडक्टर के विच, सेमीकंडक्टर तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बिकॉज एरे विच टू वे करंट है, इलेक्ट्रॉन का भी करंट है होल्स का भी करंट है। तो यह फार्मूला आप रखांगे जो नैक्सट आर्टिकल करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सारा चैप्टर थ्रैटिकल बेस्ड है, दो तीन ये मैथमैटिकल कॉन्सैप्ट है करंट ई ए एन ई वी ई एन एच बी एच। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। कंडक्टिविटी की गल कर रही है दैट मीन सिग्मा की गल कर रही है, दैट वुड बी वन बाय रू, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। आप फॉर्मूला ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने को, I is equal to E A N E V E N H V H, N E V E N H V H ये इधर आके डिवाइड हो गया E
एन ई बी ई एन एच बी एच अब फॉर्मूला बनाओ, एनो इक्वेशन नंबर वन लेके। अच्छा सर, उसके बाद यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाय एल, ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी बाय एल बनया कितों, ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट तो, वो फॉर्मूला तुम ध्यान होगा, E is equal to dV by dt, तो ऐसे V by L, as we know R is equal to resistivity L by A, R resistance, rho resistivity, length by A, ऐसो L की हो जाएगा L हो गया R A by rho, R A by rho, ये पुट कर देंगे L H, इलेक्ट्रिक फील्ड की बन जाएगा V by R, L की वैल्यू पुट कितनी R A by rho, क्लियरली rho ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर दिस आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। बाय ओम्स लॉ वी नो वी इज इक्वल टू आर आई, वी इज इक्वल टू आर आई, वी बाय आर की हो गया दैट इज करंट, तो वी बाय आर करंट, तो इथों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला की बन जाएगा वी बाय आर आई हो गया आई रो बाय ए, ई हो गया आई रो बाय ए, तो रो उधर जाके डिवाइड कर देंगे ई बाय रो आई बाय ए, इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर टू, this is I by A is equal to E by rho, and in equation 1 I over A is E is to N E V E and H V H, we are discussing electrical conductivity of semiconductor, so conductivity chahiye hai, resistivity pata kar lange, then the reciprocal will be conductivity. From 1 and 2, already with the same 1 and 2, E by rho E N E V E plus N H V H 1 by rho E कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड होते थे कि डिवाइड हो जाएगा एन ई वी ई बाय ई प्लस एन एच बाय ई नाल डिवाइड कर दोनों पास इनसाइड द ब्रैकेट वन बाय रो दैट इज कंडक्टिविटी reciprocal of resistivity is conductivity that is sigma is E N E velocity by electric field velocity over electric field that is electric mobility so that is represent by mu that is mu E, here we are discussing about electron and in this one H,
दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, सिग्मा कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। नेक्स्ट है जी, सेमीकंडक्टर दी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता लग गया। यस, उस तो बाद पहला ही गल होगी भी ज्यादा जेडे सेमीकंडक्टर है प्योर या इम्प्योर। हूँ प्योर है सिलिकॉन या जर्मीनियम। सिलिकॉन दे विच आउटर मोस्ट शेल दे विच फोर इलेक्ट्रॉन, फोर वन टू थ्री फोर। ए दूसरे सिलिकॉन नाल रिएक्ट करके फोर प्लस फोर एट बन गए, फोर प्लस फोर एट, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, होल हो ही नहीं सकता। होल की है उसके बारे भी दसदा मैं। फोर इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के नाल रिएक्ट करके कोवलेंट बॉन्ड बन गया, फोर के फोर हो गए एट। हुण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री करना है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन फ्री करना है, इतना टेम्परेचर बढ़ाता एट जीरो केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। अगर टेम्परेचर बढ़ाता ए इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मान लो आ इलेक्ट्रॉन इतना फ्री हो गया, तो इतने खाली स्पेस बन गई, वेकेंट स्पेस बन गई, और जी वेकेंट स्पेस है उन होल कहा जाता है। एक खाली स्पेस वो होल क्रिएट हो जाता है। तो हम मान लो इतने चार इलेक्ट्रॉन रिमूव कर ले, फ्री कर ले, तो चार होल बन गए, उथे चार होल बन गए। मतलब जिन्ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इहदा मतलब करंट कैरियर इंटरसिंग चार्ज कैरियर, उन्ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ते नंबर ऑफ होल्स बराबर है। इहदा मतलब जो कंडक्टिविटी है वो अपना लिमिटेड ही पता कर सकते हैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन वध चाहिए है तो फिर उसकी जगह पर होल बनेंगे, जो होल की जगह फिल कर देने फिर इलेक्ट्रॉन होंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन तो होल बराबर होंगे, तो आप लिमिटेड जी हैगी है कंडक्टिविटी ऑबटेन कर सकते हैं, बट वी रिक्वायर कंडक्टिविटी। तो उसके वास्ते की होगा, आज प्योर सैमी कंडक्टर होंगे है इन्हों इंटरसनिक सैमी कंडक्टर कहते हैं, इंटरसनिक प्योर। फिर की होंगे किस तरह इन्हों की जी हैगी है कंडक्टिविटी आप वधानी है, उसके वास्ते आप सेमी कंडक्टर एक्सटेंसिक बनाना पैंदा, एक्सटेंसिक इंटरसनिक तो बाद एक्सटेंसिक बनाना पैंदा। इंप्योरिटी ऐड करनी पैंदी, टू टाइप की इंप्योरिटी, इंप्योरिटी टू टाइप की, या तो होगी पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट नाम तो पता लग रहा है, फाइव वैलेंसी, फाइव वैलेंसी, जिमें कि ये फॉस्फोरस आर्सेनिक, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, पेंटावेलेंट फाइव वैलेंसी। फाइव वैलेंसी एलीमेंट्स है, आइटम है। उस तो बाद ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट लाइक इंडियम गैलियम, दीज आर ट्राइवेलेंट आइटम। जब ए ऐड होंगे तो फिर किस तरह होएगा वो डिस्कस करना आप। जो इंप्योरिटी ऐड कर ली तो ये बन जाएंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर।
दो तरह की इंप्योरिटी मैं पहले ही बोलिया, दो तरह की इंप्योरिटी है पेंटावेलेंट से ट्राईवेलेंट। सब तो पहला आप ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं, ट्राईवेलेंट जो ऐड करते हैं फिर की होंगे राजे, या तो आप होल चाहिए है और इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होन या ज्यादा होल्स होन। तो पेंटा मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन है फोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, एदे विच आपां ट्राईवेलेंट सपोज करो इंडियम ऐड करता, इंडियम ऐड करता ट्राईवेलेंट, तो एक सिलिकॉन नाल एक इंडियम का थ्री वैलेंसी, एदी वैलेंसी हैगी है थ्री, तो मतलब वन टू थ्री, तीन मैं इंडियम दी ऐड करता, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन, सैवन यानी कि ये को हो गए सैवन, हाले भी एट कंप्लीट नहीं है, स्टिल इट रिक्वायर वन मोर एटम टू गेट स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी वास्ते एक होर चाहिए, एक होर चाहिए, एक होर कितों आएगा, एक होर कितों आएगा, जो नेबर सिलिकॉन है, जो नेबर सिलिकॉन है उतों ही आएगा, उतों ही आएगा। आज कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, आ इलेक्ट्रॉन इथे आ गए, तो इथे की क्रिएट हो गया होल, इथे की क्रिएट हो गया होल। हुण इहदा मतलब यह है भी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है जिसे आउटर मोस्ट दे विच थ्री इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन दे चार सी, थ्री बार हो गए, फोर प्लस थ्री सैवन, स्टिल इट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन कितों आएगा नेबर सिलिकॉन तो, उहदा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होके, तो इहदा मतलब जो उतों कोवलेंट ब्रेक होके एटम आ गया, इहदा ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, तो उत्थे एक होल क्रिएट हो गया। इहदा मतलब आपां जदों सिंपल लैंग्वेज दे विच जदों ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करांगे, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करांगे तो मतलब जिहड़े नंबर ऑफ होल्स है वो ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो जाएंगे, मतलब एन एच ग्रेटर देन एन, नंबर ऑफ होल्स वुड बी ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो होल्स वध गए तो होल्स के उत्ते जिहड़ा चार्ज होंगे होंगे पॉजिटिव, होल्स से चार्ज होंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन पी, पी पॉजिटिव मीन पी, तो इनू की कहा जाता है जिहड़े आह सैमी कंडक्टर बनणगे, कंपाउंड सैमी कंडक्टर बनणगे आफ्टर द इंप्योरिटी एडिड इन द प्योर सैमी कंडक्टर, तो जिहड़े आ सैमी कंडक्टर बनणगे किहड़े होणगे पी टाइप सैमी कंडक्टर। तो सिंपल जी गल, पी मतलब पॉजिटिव मतलब होल, तो जदों ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी आप ऐड करांगे तो कि सैमी कंडक्टर बनणगे पी टाइप, तो जदों पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करांगे जो हम इस बात करांगे उदों आप पता करांगे एन टाइप सैमी कंडक्टर। ट्राईवेलेंट ऐड की सी पी टाइप सैमी कंडक्टर, पेंटावेलेंट ऐड करांगे तो एन टाइप सैमी कंडक्टर बनेगा, किवें बनेगा पेंटावेलेंट, मैं पहले दस्या
लाइक आर्सेनिक फॉस्फोरस ये जो है अपने को पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है मतलब फाइव इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सिलिकॉन प्योर जर्मेनियम भी ले सकते सिलिकॉन ज्यादा यूज होता है सिलिकॉन काफ़ी अवेलेबल है तो सिलिकॉन भी ज्यादा जो है प्रेफर किया जाता ओवर द जर्मेनियम वन टू थ्री फोर पेंटावेलेंट फाइव वैलेंसी वाला एटम एलिमेंट ऐड करता लाइक आर्सेनिक है पांच वन टू थ्री फोर फोर के फोर हो गए एट स्टिल वन मोर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑफ द इम्प्योर एलिमेंट जो आर्सेनिक वो वन इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया फ्री हूँ यह जी बहुत इंप्योरिटी ऐड की है तो यदा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे कोई नेबर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है एक फालतू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स नालों ग्रेटर बहुत ज़्यादा तो ये जो मेजोरिटी चार्ज करियर है मेजोरिटी चार्ज करियर वो इलेक्ट्रॉन है सबनों पता है इलेक्ट्रॉन ते नेगेटिव चार्ज नेगेटिव स्टार्ट फ्रॉम एन तो दिस इज नेगेटिव चार्ज एन टाइप तो दैट मीन अगर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब एन टाइप तो जे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो जड़े सेमीकंडक्टर बनेंगे ये होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप के पीछे होल्स ज्यादा एन टाइप के पीछे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दोनों है इंप्योर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर तो इंटरसेनिक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर के पीछे इस बात का क्वेश्चन है मैं इतने लिख देना थोड़ा जा तुझे आप पढ़ना है यदा जो अपन एक्सप्लेन करांगे क्योंकि जो डिफरेंस है कि तुसी पहला आप लर्न करना है आप देखना है इंटरसेनिक सेमीकंडक्टर ते एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर दे विच वैसे तुहानू पता लग गया होएगा भी उहदे विच जिहड़ी इंप्योरिटी ऐड करन ते बनदे है वो प्योर सेमीकंडक्टर हुंदे है उहदी कंडक्टिविटी घट हुंदी है एक्सटेंसिक दी सेमीकंडक्टर अपनी कंडक्टिविटी वधा सकदे हैं तो यह दो तीन फैक्टर हैगे है इस तो बाद जिहड़ा नैक्सट क्लास दे विच आपां एन टाइप पी टाइप दे विच डिफरेंस भी पता करांगे तो ये जो रिलेटिड होमवर्क है वो अच्छ तुम मैं अलग दस दूंगा और तुम्हें कंप्लीट करना है आई होप तुम पता लग गया होगा बड़ा ईजी तो बड़ा इंट्रस्टिंग चैप्टर है थैंक यू वेरी मच